नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा टीवी लाइव। ब्लॉक गंगोह के गायत्री शक्तिपीठ दुधला में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा उपरांत 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ शुरू मंगलवार को, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं इस बार सम्मानित किन्नर समाज ने भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ में श्रद्धा पूर्वक आहुतियां दी और कहा कि हमारी हर एक आहुति विश्व कल्याण के लिए समर्पित है। गंगोह से किन्नर समाज की मुखिया दीपा किन्नर एवं रेखा किन्नर ने कहा कि आगे भी अगर ऐसे धार्मिक कार्यों में लोग हमें सम्मान सहित आमंत्रित करते हैं तो हम अवश्य ही जन कल्याण के लिए आगे आएंगे। आप सब पूरी दुनिया ही हमारा परिवार हो। विश्व एवं हर जाति धर्म के जन के कल्याण के लिए महायज्ञ में हमने पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ आहुतियां दी ताकि विश्व का कल्याण हो सके। मंचा आसीन शांति कुंज हरिद्वार से आए महाविद्वानों ने मंत्रोच्चार किया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने अपने परिवारों सहित सुख शांति एवं विश्व के कल्याण के लिए महायज्ञ में आहुति दी। परिक्रमा के उपरांत प्राण प्रतिष्ठित गायत्री माता के मंदिर में शीश नवा प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रिपोर्ट सहारनपुर के गंगोह से, पत्रकार अरविंद चौहान। ना गरीब परमात्मा सभी को अच्छा रखे, सबके साथ में सभी के बच्चे जीते रहे, बच्चों अलग है बच्चे जीते रहे, परमात्मा उन सबको राजी रखे। हमारे देश में जितने भी हैं गायत्री माता सभी के बच्चों का भला करे, सभी के बच्चे जीते रहे हैं। और हमारा तो बच्चों वाले से ही भला है, बच्चों वालों से हमारा भला है, हमारा कोई नहीं ऊपर भगवान नीचे तुम लोग हो सब। हमारे किन्नर समाज की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, सबको सबको। हम मैं बोल रही हूँ गंगोह से दीपा किन्नर, ठीक है जी। सब आना इस किस्में, सब भाग लेना, बहुत अच्छा लगा हमें आके यहाँ पे। हाँ जी, हमारा आके बहुत दिल खुश हुआ, सबके बच्चे जीत रहे हैं, ठीक है जी। वालों का ये यज्ञ हो रहा था यहाँ पे, हम भी आए, हमें आके बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। जी, आप क्या कहोगे इन लोगों को जो आप आमंत्रित किए हो? पहली बार किन्नर समाज आमंत्रित किया है शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में, आप लोगों ने यज्ञ में भी आप शामिल हो रहे हो, तो आपको कैसा लगा? हमें क्या संदेश देना चाहोगे और किन्नर समाज से? हम भी यही संदेश देना चाहेंगे किन्नर समाज से कि और भी हमारे से जुड़े आगे और समाज में आए, अच्छा लगा। हम आके बहुत 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 अच्छा लगा हमको, ठीक है जी। और जितने भी हैं हमारे हमारे जो किन्नर समाज है, हम सब के बताएंगे कि जाना वहाँ भी बहुत अच्छा लगा हमें जाके। बोला अगर, हाँ जी, अगर आपको ऐसे कार्यक्रम में आगे भी बुलाया जाएगा क्या आप उसमें सम्मिलित होंगे? जी जी हाँ, जरूर आएंगे जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपा किन्नर है जी। हाँ जी, मैं रेखा किन्नर गंगोह से बोल रही हूँ, यहाँ यज्ञ में आई हूँ दूधला, बहुत अच्छा लगा है। देशवासियों ने हमें इस काबिल समझे हैं, जो हम भी यहाँ पर पधारे हैं, बस सभी के लिए सुख शांति की दुआएं हैं और मनोकामनाएं दिल से, सबके बच्चे जीत रहे हैं और मेरे देशवासी बने रहें, बस यही मेरा आदेश है और मेरे सभी किन्नरों की तरफ से।